Student, good morning. How are you all? Are you fine? Okay. I will teach today environmental studies. So let's check lesson number one. Open the book. Okay, see lesson number one, me and my healthy habits. Me and my healthy habits. लेसन नंबर वन में लिखा है कि मैं और मेरी अच्छी आदतें. लेसन नंबर वन में अच्छी आदतों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो हमें अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और अच्छी आदतें हमें लेनी है. ओके, वी ऑल हैव ग्रोन वन मोर ईयर ओल्डर. आप गए साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे ना, इस साल सेकंड में आए, तो क्या हुआ, आप एक साल बड़े हो गए. क्या हुआ, एक साल बड़े हो गए. इस तरह से आपको एक साल आप अच्छी आदतें, मतलब अच्छा कुछ करने के लिए आप तैयार हो गए हैं. अच्छा अच्छा कुछ हैबिट्स है, अच्छा आपको जो भी, मतलब आप छोटे से बड़े हो गए हो. अब समझ में आया. नाउ वी हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्व्स. ओके, वी कैन डू ए लिटल वर्क ऑन अवर ओन. बच्चों, हमारा जो छोटा मोटा काम होता है ना, जो यहाँ से टिफिन को अपने मम्मी के पास देना है, बैग्स को अपने जगह पे रखना है, अपना छोटा मोटा, अपने कपड़े, अपने जो सभी छोटे मोटे काम हैं, वो हम खुद करेंगे. अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे आप वो कपड़े लेके आओ, वो बैग वहाँ पे रखो, वो टिफिन लेके आओ, वो पानी की बोतल, वाटर बैग, वो सब मुझे दे दो. ऐसे हम अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे. अभी हम एक साल बड़े हो गए हैं ना, तो हमें ये छोटे मोटे काम खुद करना है. ओके, वी कैन हेल्प अवर मदर टू पैक अवर लंच बॉक्सेस, अरेंज अवर स्कूल बैग, कीप अवर रूम्स क्लीन एक्सेट्रा. देखो बच्चों, हमें अभी हम अभी बड़े हो रहे हैं ना, तो हमें अपने मम्मी, पेरेंट्स, मदर्स, फादर्स को जो अपने छोटे मोटे काम है ना, वो अपने मम्मी की, जो बहुत सारे मम्मी की तो वो जिम्मेदार रहती है ना, तो हमें उसमें हमें हाथ बटाना है. जैसे कि जब हम स्कूल में जाते हैं सुबह, तो हमें अपनी बैग मम्मी से नहीं पैक करवाएंगे, हम खुद करेंगे. समझ में आया. और जो लंच बॉक्स हमारा होता है, वो मम्मी पैक करती है, तो हमें उसमें भी हेल्प करनी चाहिए. हमारा जो हाउस है, हमारा जो अपना जो रूम है, आपका जो रूम होगा, उसको क्लीन भी आप लोगों को भी करना है, उसमें साफ सुथरा भी आप लोगों को भी रखना है. ऐसे छोटे मोटे काम आपको खुद करना है. ओके, आपकी मदर्स को ये सभी छोटी मोटी जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो आप लोगों को करना है, मदर्स को हेल्प करना है. आपको खेलने में, मोबाइल में नहीं रहना है, और आपको मदर्स को हेल्प करना है. समझ में आया बच्चों. हाँ, ओके, वी कैन ऑल्सो हेल्प अवर फादर इन अरेंजिंग फ्लावर पॉट्स, क्लीनिंग हिज व्हीकल्स. देखो, हमें अपने मम्मी की तो मदद करनी है, लेकिन फादर्स की भी मदद करनी है, पापा की भी मदद करनी है. हमें दोनों की, फादर्स मदर्स दोनों की हेल्प करनी है. जैसे कि हमने मदर्स की क्या, मदर्स को हम क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, किचन में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कुछ साफ सफाई में, बहुत सारी, जैसे मम्मी जो काम करते हैं उसमें हम
हेल्प कर सकते हैं, जैसे फादर्स क्या करते हैं, जैसे फ्लावर पॉट्स है ना, गमला, उसको गमले में जैसे वो पॉट्स से रहता है उसमें फ्लावर जमाते हैं ना, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, जैसे फादर्स क्या कर रहे हैं, ये पॉट है ना उसमें फ्लावर जमा रहे हैं, तो ये हमें क्या करना है, पापा की हेल्प करनी है, फ्लावर जमाना है। व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन्स जो पापा की गाड़ियाँ होती है, जैसे कार होती है, गाड़ी जो भी अपने पापा के पास रहती है उसको क्या करना है, क्लीन करना है। क्या करना है, क्लीन करना है, सुबह उसको पानी से, सब जो व्हीकल्स है, गाड़ी है, फोर व्हील है, जो भी है उसको हमें क्लीन करना है, समझ में आया, क्लीन करना है। वो इस तरह से हम अपने फादर्स की मदद कर सकते हैं। वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स अवर सेल्व्स, ऐसे हमारे रिस्पॉन्स जिम्मेदारी जिम्मेदारी जो है वो अपने सिर लेना है, समझ में आए बच्चों। ये फादर्स मदर्स की जो है ना, जो जो उनके कामों में हाथ बटा के, उनके कामों में मदद करके हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी है, समझ में आया। दे इंक्लूड पर्सनल क्लिनिनेस, गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर्स, अवर पेरेंट्स टीच अस वैल्यूज एंड वी शुड फॉलो देयर वर्ड्स। देखो बच्चों, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे फादर्स मदर्स हैं, जो हमें अच्छे से, मतलब इतनी कीमती क्या क्या गुड मैनर्स सिखाते हैं, गुड बिहेवियर सिखाते हैं, वो जो अपने पेरेंट्स की, अपने माता फादर मदर की जो अपने गुड, मतलब अच्छी कीमती बातें हैं ना, कीमती बातें उनको हम फॉलो करेंगे, और जिन जीवन में मदर्स फादर्स की जो अच्छी बातें हैं ना उसको फॉलो करेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। हमारे माता पिता कितनी अच्छी, मतलब अच्छी अच्छी हैबिट्स हमें सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, बिहेवियर सिखाते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स की जो अच्छी बातें हैं, कीमती बातें हैं, उसको ध्यान में लेना चाहिए। ओके बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही है। हमें हमें आज हम होमवर्क में आपको देती हूँ, आप टेक योर पेंसिल, जो मैं स्पेलिंग अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप एक स्पेलिंग आपको 5 टाइम्स लिखना है। ओके, यू राइट 5 टाइम्स। ओके, तो हम सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे लेंगे, ग्राउंड पे लेंगे, तो ग्राउंड पे अंडरलाइन करो, ये आपको स्पेलिंग 5 टाइम्स लिखना है। नेक्स्ट है अवर सेल्व्स, मदर, स्कूल, क्लीन, फादर, फ्लावर, व्हीकल और गुड मैनर्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, पेरेंट्स 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, हाँ 10 स्पेलिंग है बच्चों, तो ये स्पेलिंग आपको, वन स्पेलिंग आपको 5 बार राइट करना है। ओके, तो मैंने कितनी स्पेलिंग दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेलिंग है, तो 10 स्पेलिंग आपको, वन स्पेलिंग 5 टाइम्स लिख के अपने कॉपी में मुझे बताना है। ओके, थैंक यू।